एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री कमोडिटी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा, साथ में हमने देखा कि रिसेंटली जो फार्म बिल को रिवोक किया गया है, इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरे एग्री कमोडिटी पे जल्द पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिफॉर्म्स के चलते हमने देखा कि कॉर्पोरेट का पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिखाई देने लग गया था, बट कहीं ना कहीं अब इसका एक सेटबैक हो सकता है कि प्राइजेस पे पड़े। बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पोस्ट पैंडामिक भी डिमांड इंप्रूव हो रही है और सप्लाई कंसर्न्स भी धीरे धीरे अभी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है और अगला हफ्ता भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर इंपॉर्टेंट मूव रहेगा। सबसे पहले एडिबल ऑयल पैक के अंदर हम सोयाबीन की बात करें तो हमने करीबन शॉर्ट स्वीच के चलते 9% की तेजी सोयाबीन में देखी, जैसे हमने उम्मीद रखी थी। हाँ, हमारा उम्मीद ये था कि प्राइजेस में 5100 से रैली करेगा, 5700 तक की लेवल मिली गई, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट स्वीच के चलते, अराइवल डिले के चलते और साथ में सोया मिल की डिमांड पॉलिट्री इंडस्ट्री से बढ़ने के चलते हमने प्राइजेस में एकाएक बहुत बड़ी तेजी देखी जो 6150 पे जाकर हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली 5850 के ऊपर सोयाबीन कंटिन्यू होल्ड करता है तो 6400 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। कैस्टर के अंदर हायर लेवल से हमने बिकवाली बनती हुई देखी, टेक्निकली लॉन्ग लिक्विडेशन है जो कहीं ना कहीं 6250 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है प्राइजेस 6500 से लेकर 6450 के बीच में ट्रेड करेगा, 6300 के करीब मिलने पे कैस्टर को लेके चलिए 6450 के टारगेट के लिए। वहीं पाम ऑयल की बात करें तो अभी भी हमने क्रूड की गिरावट के चलते थोड़ा प्रेशर जरूर बनते हुए दिखा है, बट मलेशिया में लेबर कंसर्न की वजह से प्रोडक्शन आउटपुट में भी कमी रहने की उम्मीद है जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। टेक्निकली डोमेस्टिक मार्केट पे भी प्राइजेस सीपीओ की बात करें तो 1090 के सपोर्ट पे होल्ड करते हुए चल रहा है। नवंबर वायदे में हमें लगता है कि प्राइजेस 1160 से 1170 का रेंज दिखा सकता है। रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर भी 1190 के सपोर्ट से मार्केट ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया है, करीबन 3.25% का। एज ऑफ नाउ हमें लगता है ये गेन कंटिन्यू रहेगा और हायर साइड में हम देख सकते हैं कि प्राइजेस में 1250-1260 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। पाम ऑयल के अंदर क्रूड का एक नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा बहुत पड़ सकता है, बट कहीं ना कहीं डिमांड इंप्रूवमेंट के चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला। बट ध्यान रखिए विंटर के अंदर पाम ऑयल की डिमांड में ड्रॉप आ जाता है और अदर ऑयल्स के अंदर डिमांड बढ़ जाती है। मसालों की अगर बात करें तो हल्दी में 2% की गिरावट, जीरा में 3% की तेजी, धनिया में 3% की तेजी आती हुई दिखाई दी। हल्दी की अगर बात करें कैरियर स्टॉक अच्छा है और स्विंग एरिया भी बढ़ने की वजह से हल्दी में दबाव कंटिन्यू बन सकता है, बट ओवरऑल रेंज जो रहेगा वो 7100 से 7600 का रेंज हल्दी की रहेगी। जीरे और धनिया में हमने पहले भी कहा था कि प्राइजेस में अच्छी तेजी रहेगी, 16000 के ऊपर होल्ड होने पे 16850 से 900 का लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। वहीं धनिया 8200 का लेवल अगर वीकली बेस पे कंटिन्यू होल्ड करता है अगला हफ्ता तो 8850 से 9000 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल 2022 के लिए हल्दी को छोड़कर जीरा और धनिया सबसे अच्छे लगते हैं, डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगी, एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से प्राइजेस में एक अच्छा खासा तेजी दोनों ही काउंटर में 2022 में बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने पहले भी कहा है हमारा स्टैंड जो है वो न्यूट्रल रहना है। ओवरऑल हमें लगता है गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर तेजी का रुख कम रहेगा बिकॉज हायर साइड पे डिमांड में हमने कंटिन्यू फॉल आते हुए देखा है, बट स्पेकुलेटिव बाइंग बार बार में हम आते हुए देख पा रहे हैं। टेक्निकली 5900 तक के भी लेवल हम गवार सीड में और 10200 तक के भी लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। ये अगले हफ्ते में थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है तो बिकवाली की जा सकती है, ओवरऑल काउंटर में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। मेंथा ऑयल के अंदर विंटर डिमांड बढ़ने पे है बट कहीं ना कहीं कैश क्रंचेस के चलते प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टेक्निकली 956 का इंपॉर्टेंट दर रहेगा, 956 के ऊपर निकलने पे ही हम 980 से 990 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो एक उम्मीद थी प्रॉफिट बुकिंग की, वैसी उम्मीद हमने देखी, 1.5 से 2% की गिरावट हमने कॉटन के प्राइजेस में, कॉटन सीड में भी 2.5% की गिरावट और कपास में 1.5% की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में दबाव जरूर है, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री से अच्छे डिमांड के चलते आने वाले दिनों में एक बड़ी तेजी इन तीनों कमोडिटी में बनते हुए दिखाई दे रही है। कॉटन अगले हफ्ते के लिए 31200 के करीब लेके चलिए, 32500 के टारगेट के लिए। कॉटन सीड ऑयल केक में भी 2400-2450 के करीब लेके चलिए, 2580 के टारगेट के लिए। धन्यवाद।